अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बैनर बनाना सीखा था, आज इसे बैनर का ये टैग बनाया था, आज इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। सब लाइन को ओपन करता हूँ और ये बैनर के ही टैग को इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये बन चुका था हमारे पास बैनर। अब मैं चाहता हूँ बैनर के साथ यहाँ पे इसके बिल्कुल नीचे बॉटम में एक और टैग हो जाए, और वो कौन सा होना चाहिए? मैं कहता हूँ वो मेन्यू का टैग होना चाहिए, ठीक है जी। मैं इसको कहता हूँ जी मेन्यू टैग। यहाँ पे जी आर लगा देते हैं और जी टी लगा देते हैं। सबसे पहले ये जी मेन्यू टैग हमने बोल दिया, ये आ चुका है ये मेन्यू टैग। और मेन्यू टैग को अब हमने करना है कंट्रोल, इसकी विड्थ करनी है 98, ठीक है जी। और इसकी एक हाइट भी देनी है, हाइट हाइट में मेंशन करता हूँ इसकी 50। ये आ चुका है। मैं चाहता हूँ इसका एक एरिजन सेंटर, एरिजन सेंटर में जा चुका है। और अब क्या चीज़ है जी, अब मैं इसके अंदर इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर जो इसके अंदर एडियो होना चाहिए ग्रीन। अब लीजिए ये मेन्यू का टैग बन चुका है जिसमें कलर कर दिया। अब मेन्यू के टैग के अंदर हमने काफ़ी सारी कोडिंग करनी है, इसके नाम वगैरह लिखने, ठीक है। और मेन्यू के टैग के नीचे एक न्यूज का टैग बना देते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कौन सा टैग हो, न्यूज का टैग हो। यहाँ पे रिफ्रेश किया और न्यूज का टैग बन चुका है। सेम वही काम करना है, इसकी विड्थ और हाइट कंट्रोल करनी है। विड्थ और हाइट कंट्रोल करनी है तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसकी विड्थ करता हूँ 998 और इसकी एक हाइट कर देता हूँ 40 की। ऑरिजिन दे देते हैं, सॉरी सेंटर, और बीजी कलर कर देते हैं इसमें ब्राउन। अब देखते हैं ये हमारे पास आया, ठीक है जी। ये हमारे पास आ चुका है लेकिन तरतीब सारी ख़राब हो चुकी है। किस वजह से तरतीब ख़राब हुई है वो आके हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये तरतीब हमारे पास ख़राब क्यों, कहाँ से हम लोगों ने मिस्टेक की। तो मिस्टेक तो हमारी कहीं भी नहीं बनती वैसे। ये हाइट 40 है, ठीक है। ओरिजिन सेंटर, बैकग्राउंड कलर ब्राउन बोल रहा है। चलिए एक सेकेंड इसको ना ब्लैक करके देखते हैं। नहीं जी इसकी वजह से भी नहीं हो रहा, फिर ये किसकी वजह से हुआ? अच्छा तो स्टूडेंट इसकी समझ आ गई कि हुआ किसकी वजह से, ठीक है। यहाँ पे ये टी आर है, इसके बाद आते हैं एक टी आर लगाते हैं और इसके बाद टी डी लगाते हैं। सिंपल कुछ भी नहीं किया, ये सारा कुछ अपनी जगह पे एडजस्ट हो चुका है। तो ये यहाँ पे मेन्यू आ गया, यहाँ पे न्यूज़ वगैरह आ गई, यहाँ मेन्यू आ गया। तो मैं कहता हूँ ये लेक्चर यहाँ तक समझ आया होगा। कर मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू लेक्चर के साथ। आज के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।